तो गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और इस वीडियो में आप देखेंगे तुंगनाथ महादेव। तुंगनाथ महादेव दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। बताते हैं इसकी हाइट 3800 कुछ मीटर प्लस है। तो ये सबसे ऊंचा शिव मंदिर है और ये जगह है चोपता। चोपता अपने आप में एक हिल स्टेशन है और यहाँ पर अक्सर ठंडियों में काफ़ी लोग आते हैं, बर्फ़ का मज़ा लेते हैं, पूरा बर्फ़ से ढका रहता है। तो रात को आया, इस वजह से मैं आपको यहाँ की वादियाँ रोड नहीं दिखा पाया, नहीं तो मैं आपको अच्छे से बताता। मैं फ़िलहाल अभी आ गया हूँ चोपता पर, और चोपता में यहाँ पर आगे एक गेट है जहाँ से तुंगनाथ की चढ़ाई होती है। चोपता रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में आता है और यहाँ से ये जो रास्ता आप देख रहे हो ये रुद्रप्रयाग के लिए जाता है। लगभग 1.5 घंटा लगता है यहाँ से रुद्रप्रयाग जाने में। और ये जो रास्ता आप देख रहे हो ये जाता है बद्रीनाथ के लिए। बद्रीनाथ यहाँ से 150 किलोमीटर है। यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे तो सबसे पहले गोपेश्वर आएगा, फिर चमोली आएगा, फिर जोशीमठ आएगा, और जोशीमठ के बाद में बद्रीनाथ आता है। यहाँ पर सारे ये स्टॉल आपको दिखेंगे, सारी पार्किंग दिखेगी, ये सारे खाने पीने के स्टॉल है, होटल्स वगैरह भी मिल जाते हैं आपको। 500 से 1000 में अच्छी खासी होटल मिल जाती है आपको, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है। पहाड़ों के बीच में है ये जगह पूरी, आप देखो। तो ये गेट दिख रहा होगा आपको, ये तुंगनाथ महादेव का प्रवेश द्वार है। तो यहाँ से एंट्री करेंगे हम ऊपर के लिए। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है तृतीय केदार। यहाँ पर 5 केदार है, 5 केदार है, उसमें से ये तृतीय केदार है। यहाँ से लगभग 3.5 किलोमीटर की पूरी खड़ी चढ़ाई है और उसके बाद में आएगा तुंगनाथ महादेव मंदिर। तो काफ़ी ऊँचा ट्रैक है और एकदम खड़ी चढ़ाई है, लंबा ट्रैक नहीं है लेकिन ऊँचा ट्रैक है। वहाँ से आए उस गेट से और यहाँ पर एक मंदिर है, छोटा माता का मंदिर है और मंदिर का नाम है स्मृतिपुर सुंदरी। ये जो काउंटर है यहाँ से घोड़ा खच्चर की बुकिंग होती है और उसका रेट यहाँ पर लिखा हुआ है। तुंगनाथ तक आना जाना 1100 रुपये का है। तो ये सब घोड़ा खच्चर है, ऊपर जाता है यहाँ से। 1100 रुपये का चार्ज है, मैंने आपको बताया ऊपर जाने का। और वैसे ये ट्रैक छोटा है लेकिन पूरा खड़ा ट्रैक है, ऊंचा है एकदम। यहाँ पर लिखा हुआ है केदारनाथ कस्तूरा मृग विहार का संरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पर ये शुल्क लिखा हुआ है, क्या क्या चार्ज है, प्रवेश शुल्क। तो पीछे से पर्ची कटवा दिया है, 150 रुपीज़ का चार्ज है ऊपर जाने के लिए, जिसमें हम यहाँ से तुंगनाथ और तुंगनाथ से चंद्रशिला तक जा सकते हैं। बाकी यहाँ की पेड़ पौधे देखो आप, क्या बढ़िया नज़ारा है। वादियों के अंदर में है ये पूरा मंदिर, खूबसूरती बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। काफ़ी खड़ी चढ़ाई है सच में। और इस मंदिर के कपाट भी 2 दिन पहले खुले हैं, जब केदारनाथ के कपाट खुले तभी इसके भी कपाट खुले हैं। तो ये भी मंदिर बंद रहता है 6 महीने। अभी तक मैंने जितने भी ट्रैक किए यहाँ पर, मोस्टली सब में बारिश ने परेशान किया है और आज का वेदर भी कुछ ऐसा ही है, कभी भी बारिश आ सकती है ऐसा है। बाकी नज़ारे बहुत अच्छे हैं यहाँ के, आप यहाँ पर बैठोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चारों तरफ आपको पेड़ पौधे दिखेंगे और अलग ही एकदम यहाँ का एटमॉस्फियर है। इतने बड़े बड़े घोंसले बने हुए सारे पक्षियों के। ये जो आपको फूल दिख रहे हैं पूरे, इसे बुरास के फूल कहते हैं और अभी तो फिलहाल ये कम है, इसकी सीज़न ख़त्म होने वाली है। मे मंथ में ये इनकी सीज़न ख़त्म हो जाती है, तो अभी इनकी सीज़न ख़त्म होने वाली है इसलिए कम दिख रहे हैं। तो ये अगर हम 2 महीने पहले आते तो ये जितने भी पेड़ दिख रहे हैं सारे हमको पिंक और रेड दिखाई देते, तो अलग ही नज़ारा होता है उसका। फूल होता है उसको बुरास कहते हैं और इसका जूस बनाया जाता है, कुदरती होता है ये और हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये बुरास के फूल के पेड़ है सारे और यहाँ पर 3 तरह के बुरास है, वाइट, ऑरेंज और रेड, मोस्टली ज़्यादातर रेड होते हैं। आधा किलोमीटर का ट्रैक हुआ है और नीचे का नज़ारा देखो अगर दिखता हो तो, क्योंकि धुंध काफ़ी ज़्यादा है लेकिन बहुत नीचे तक है और ऊपर जाने के बाद तो नज़ारा ही अलग होता है। बीच बीच में इस तरह से ढाबे वगैरह भी हैं, स्टोर वगैरह भी है, तो आप चाहे तो
हल्का फुल्का खाना पीना भी कर सकते हो, पानी वानी की बॉटल मिल जाती है, जूस मिल जाता है। बाकी ये सुलभ शौचालय बनाए हुए, तो व्यवस्था सारी है यहाँ पर। और नज़ारा देखो आप, ये रास्ता जा रहा है मेन वाला इस तरफ से घूमते हुए, और ये रास्ता है शॉर्टकट। भैया कौन सा बढ़िया रहेगा? ये वाला, ये ना, ये दिखता शॉर्टकट है लेकिन जाने में ज़्यादा समय लगेगा। ये वाला सही है, यहाँ से चलते हैं। पानी पीने के लिए बीच में प्याऊ भी है, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसका पूरा डिटेल में महत्व लिखा हुआ है, तो यहाँ पर पूरी डिटेल दी हुई है। आप चाहो तो इसे स्टॉप करके आराम से पढ़ लेना, क्योंकि काफ़ी लंबा है, मैं बताऊँगा तो समय काफ़ी लग जाएगा। यहाँ का ट्रैक काफ़ी खूबसूरत है, ऐसा लगता है आप वादियों में चल रहे हो, बादलों के बीच में चल रहे हो। और आज भी मौसम वैसा ही है जैसा पिछले 5-6 दिनों से है, बादल पूरे छाए हुए हैं, बारिश कभी भी आ सकती है। लगभग 2.5 किलोमीटर का ट्रैक हो गया है, 1 किलोमीटर जितना बाकी है अभी, तो आधा घंटा लगेगा। अभी मुझे लगभग चलते हुए 1.5 घंटा हो गया है, तो 2 घंटे लगते हैं ऊपर पहुंचने में नॉर्मली आराम से। हर हर महादेव। ये चढ़ाई है देखो आप, इस तरफ से आगे होते हुए वहाँ पर काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, यहाँ पर विश्राम लेना पड़ेगा। छोटा ट्रैक है लेकिन ऐसी चढ़ाई है तो सांस फूल जाती है, बाकी थकान नहीं होती इतनी। बाकी अभी नज़ारे दिखेंगे आपको, देखो धूप निकली है हल्की हल्की, तो सारा साफ दिखेगा अभी। तो इस छतरी के नीचे बैठे थे, 5 मिनट रेस्ट लिया, थोड़ी थकावट कम हुई, अभी ऊपर चलते हैं। यहाँ से अगर आपको दिखता हो तो वो तुंगनाथ है वो वाला, और वहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे तब वो चंद्रशिला है एंड पॉइंट। यहाँ बारिश हुई थी, गीला है सारा पत्थर, और चंद्रशिला पे वहाँ पर बर्फ भी है। ऊपर से नीचे जाने का कितना लेते हो? ऊपर से नीचे का 500, तो ये अच्छा है। अगर आप पैदल जाते हो और नीचे जल्दी आना चाहते हो तो 500 रुपये में ये घोड़े वाले आपको नीचे लेके जाएंगे, तो ये बढ़िया है, घोड़े का भी एक्सपीरियंस हो जाता है और नीचे जल्दी भी पहुंच जाते हैं, तो ये बेटर है। चढ़ना जारी है, यहाँ पर एक रेस्ट हाउस है बैठने के लिए, और ये जो पहाड़ है इनका शेप देखो आप, ये सामने जो 3-4 पहाड़ दिख रहे, तो धूप निकला हुआ हल्का हल्का लेकिन फिर भी बूंदाबांदी हो रही है, मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है ये, और ये पूरा रास्ता है ट्रैक का, नीचे से हम आए यहाँ, और ये पूरा नीचे का नज़ारा। सामने की पहाड़ी थोड़ी थोड़ी दिख रही है क्योंकि हल्की हल्की धूप है, तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। ये घोड़े का स्टॉप आ गया, घोड़ा आपको यहाँ लाकर छोड़ देता है। यहाँ पर ये सारे स्टॉल वगैरह है, टॉयलेट बाथरूम बने हुए हैं, और यहाँ से फिर ऊपर मंदिर है ये वाला। ये मंदिर का रास्ता है, और यहाँ पर सामने लिखा हुआ है आकाश कुंड, तो ये कुंड है जिसका नाम है आकाश कुंड।
ये देखो छोटा सा कुंड है ये, और ये बर्फ़ है, ये जो आपको दिख रहा होगा ये बर्फ़ है। तो मौसम जो है वो काफ़ी ठंडा है यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको बताया 3800 और कुछ मीटर ऊपर है ये, और दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है ये। तो ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। धूप निकली थी वो पूरी तरह से चली गई है, और जैसा मौसम शुरुआत में था नीचे वैसा हो गया है। पर गेस्ट हाउस वगैरह भी है, आप चाहो तो स्टे ले सकते हो ऊपर। और बादलों के बीच में हैं हम, देखो आप थोड़ी देर में बादलों से ऊपर पहुंच जाएंगे। प्रसाद वगैरह यहीं मिल जाता आपको मंदिर के पास में। स्टे भी है क्या? चार्ज क्या रहता है? 1200 से। तो मंदिर के आसपास में आपको स्टे भी मिल जाता है, 1200 रुपये का चार्ज लगता है। तो आप चाहो तो ऊपर स्टे कर सकते हो। कोहरा जो है वो बहुत बढ़ गया है, विजिबिलिटी एकदम कम हो गई है। नीचे जैसा मौसम था उस तरह का मौसम हो गया फिर से, बिल्कुल कम दिखाई दे रहा है अभी। यहाँ पर ऊपर मंदिर है ये तुंगनाथ महादेव, तो यहाँ पर लिखा हुआ देखो चंद्रशिला 1 किलोमीटर ऊपर की तरफ यहाँ से, और ये तुंगनाथ महादेव का मंदिर इस तरफ। ये मुख्य प्रवेश द्वार है मंदिर का, जय बाबा तुंगनाथ। ओहो बहुत ठंडा है यहाँ पर, जूते उतारने, लेकिन नीचे बिल्कुल ठंडा है फर्श। तो ये मंदिर का प्रवेश द्वार है, अंदर चलते हैं। तो ये पंच केदार है देखो, केदारनाथ, मदमहेश्वर, तुंगनाथ बाबा जहाँ पर अभी हम हैं, रुद्रनाथ जी और कल्पेश्वर। यहाँ से एक बार नीचे का नज़ारा देखते हैं। कुछ दिखने वाला नहीं है वैसे, क्योंकि बादलों के ऊपर है हम, और यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा है सच में। तो यहाँ लिखा है मंदिर के अंदर फ़ोटो लेना मना है, तो देखते हैं। फ़ोटो अलाउ नहीं है, वीडियो अलाउ नहीं है मंदिर के अंदर। बाहर बाहर से दिखा सकता हूँ मैं आपको, लेकिन बाबा के दर्शन बाहर से भी हो जाए तो बड़ी बात है। तो ये है मुख्य मंदिर तुंगनाथ महादेव का। तो ये एंट्री है, और ये पीछे मुख्य मंदिर का शिखर है बड़ा सा। तो केदारनाथ मंदिर जैसा ही है ये, पीछे की तरफ से दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर ये उदक कुंड है नीचे की तरफ। फर्श कितना ठंडा है मैं आपको बताता हूँ, देखो आप, ये सारी बर्फ़ है, ये सारी बर्फ़ है। तो काफ़ी ठंडा है, पैर एकदम जम गए मेरे, क्योंकि मंदिर है तो जूते निकालने ही पड़ते। तो मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। तो ये नंदी विराजमान है यहाँ पर, और ये छोटा सा मंदिर है शिव जी का, शिवलिंग दिख रहा है मुझे अंदर, और महादेव का मंदिर ये भी छोटा सा। मंदिर में जाने से पहले मैंने आपको बाहर से पीछे से दिखाया है, इस तरफ से फिर से आगे चलते हैं मंदिर के। ये भी पूजनीय शिला है, इसकी भी पूजा की जाती है। तो उस गेट से हम आए थे, और ये मुख्य मंदिर है तुंगनाथ महादेव का। यहाँ से मैं आपको पीछे लेके गया था, और वहाँ से मैंने आपको छोटे मंदिर दिखाए थे, उसके बाद मैं यहाँ से आया हूँ। आगे भूतनाथ मंदिर है, और ये यहाँ पर भैरव बाबा का मंदिर है, भैरवनाथ मंदिर है। और इस तरफ ये जो आपको छोटे छोटे मंदिर दिख रहे हैं, ये जो है वो पंच केदार है, पांच केदार के मंदिर बने हुए। ये तुंगनाथ महादेव मंदिर के पास में ये एक और मंदिर है, और ये पार्वती जी का मंदिर है। तो मंदिर में दर्शन करके आया मैं तुंगनाथ जी के, अभी यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। आगे यहाँ पर भूतनाथ मंदिर है। यहाँ मैं कैसे चल रहा हूँ मैं ही जान रहा हूँ, क्योंकि ये पानी दिख रहा है सिर्फ, लेकिन बर्फ़ जैसा है, इतना ठंडा है, मेरे पैर जम गए पूरे। तो ये भूतनाथ जी का मंदिर है नीचे, वहाँ पर वो जो मंदिर था मैंने आपको बताया तुंगनाथ महादेव का, और ये भूतनाथ जी का मंदिर है। जो शिव जी के गण हैं, जैसे नंदी उनके गण हैं, वैसे भूतनाथ जी भी उनके गण हैं। वहाँ से नीचे से हम ऊपर आए थे, वो तुंगनाथ महादेव मंदिर है, और ये भूतनाथ जी का मंदिर है। और इस तरफ में
नीचे आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, पूरा फॉग है, हम बादलों के ऊपर है और वहाँ पर आगे चंद्रशिला ट्रैक है, लेकिन आप मौसम देखो कुछ दिख नहीं रहा है और बारिश की पूरी संभावना है। मैं चंद्रशिला जाने वाला था लेकिन अभी मेरा विचार बदल रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ के पुजारी जी से और यहाँ के मंदिर वालों से पूछा कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, अभी मौसम बड़ा ख़राब है और आपको कुछ दिख भी नहीं रहा है और ऊपर बारिश भी हो रही है, तो आप ऊपर मत जाओ, यहीं से नीचे लौट जाओ। तो चंद्रशिला नहीं जा पाएंगे इस बार, और कभी आएंगे तो ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन इस बार चंद्रशिला नहीं जा पाएंगे, तो ये थोड़ा बैड लक है। तो मेरे साथ योगेश्वर प्रसाद मेठानी जी है जो कि यहाँ के पंडित जी है। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो इनसे पूछते हैं इस मंदिर के बारे में क्या विशेषता है, क्या महत्ता है, ये बताएंगे। यहाँ पर पंच केदारों में से तृतीय केदार की पूजा होती है। प्रथमम केदारम नत्वम मध्यम तुंग हिमालय चतुर्थम रुद्रम कल्पेश्वरम त्रायमाम नोप जायते। केदारनाथ में पृष्ठभाग की पूजा होती है, मध्यमेश्वर में नाभिभाग की पूजा होती है, तुंगनाथ में हृदय और बाहु की पूजा होती है, रुद्रनाथ में मुखमंडल की पूजा होती है और कल्पेश्वर में जटाओं की पूजा होती है। आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसका जीर्णोद्वार बद्री केदार मंदिर समिति करता है। तो काफ़ी पुराना मंदिर है, आदि शंकराचार्य जी ने इसे स्थापित किया था और पंच केदार में से एक है। तो ये आपको मैंने बताया तुंगनाथ महादेव मंदिर और इसके आसपास के सारे छोटे मंदिर। घोड़े से नीचे जाने का सोच रहा था लेकिन केदारनाथ याद आ गया, 3 घंटे बैठे बैठे सब कुछ सूझ गया था, तो ये तो छोटा ही ट्रैक है तो मैं ऐसे ही चल के जाऊंगा नीचे की तरफ। तो ये था तुंगनाथ महादेव मंदिर जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है और काफ़ी बढ़िया जगह है। मौसम सही नहीं था तो थोड़ा नज़ारा सही से नहीं दिखा, लेकिन काफ़ी बढ़िया मंदिर है, काफ़ी अच्छी जगह है और नीचे से ऊपर आने में आपको लगभग 2 घंटे लगेंगे और ऊपर से नीचे जाने में 1 घंटा लगेगा, तो कुल मिला के 4 घंटे में आप दर्शन करके नीचे जा सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आप जो